वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दुर्गा रिएक्शन में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है, सरदार जी ने क्यों कहा कि मुसलमान कौम मुर्दा है। तो देखते हैं इस वीडियो में आखिरकार ऐसा क्या दिखाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये लोग जो है ये कौम दब चुकी है, ये कौम मुर्दा कौम है, ये लोग जाग नहीं सकते हैं। ये मुसलमान कौम मुर्दा कौम है, ये कभी जाग नहीं सकते। इबादत करते हुए एक इंसान को जो है ना अल्लाह ताला से जो जुड़ा हुआ था, ये अल्लाह ताला से जुड़ने के बाद उसको इबादत करते हुए उसके साथ बदतमीजी की गई है। हमारे साथ बदतमीजी करके देखे ना, किसी खालसा को ऐसे मार के देखे, फिर हम बताएंगे क्या होती है। तो यहाँ पर आए हैं, हमें दुख लगा कि इबादत करते हुए किसी को अगर गलत किया जा रहा है, हमें दुख लगा। हमने वीडियो देखी, हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। हम जो भी हैं, जितने भी खालसा पंथ है, चाहे वो 1% है 1.5% है, हम इनके साथ खड़े हैं। इनको जहाँ भी हमारी जुड़ते होगी इनके साथ खड़े हैं, जिस भी चीज़ की इनको जुड़ते होगी इनके साथ खड़े हैं। ये अगर संघर्ष करेंगे तो हम इनके साथ खड़े हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा है सिख भाई का, इन्होंने एक बात कही वो बहुत ही जो है ना दिल को छूने वाली बात है, और बखूबी उलमा इकराम इस बात को लगातार अपने स्टेजों से कहते हैं कि ये जो कौम है ये मुर्दा हो चुकी है। हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि वाकई में हम जिंदा हैं भी या नहीं। यकीनन हम लोग मुर्दा हो चुके हैं। दोस्तों, जो आपके ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, इसकी वजह कुछ नहीं है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग खामोश हैं। कुछ भी गलत होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। क्या आप लोग भूल चुके हो हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या शहादतें दी हैं? अगर हजरत इमाम अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में एक बड़ी अक्सरियत देखकर यजीद के हाथ पे बैत कर देते तो क्या आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला कोई होता? नहीं होता। आपको जो ये अपने अंदर का डर है इसको खत्म करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको मुकदमे में फंसाकर बंद कर दिया जाएगा, आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। मेरे भाई, आप वो कौम है जो अल्लाह से डरती है, ये आप ना भूलें। आज जो मुसलमानों के साथ ये हिंदुस्तान में हो रहा है, वाले लोग नमाज की हालत में एक मुसलमान पर हमला करते हैं, लात और घूंसे चलाते हैं और बोलने वाला कोई नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ अपने कौम के उन रहनुमाओं से, उन वकला से, उन जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं उनसे, कहाँ है वो इस वक्त? क्या किया है उन्होंने? क्या पढ़ाई उन्होंने सिर्फ इसलिए की है कि वो अपनी जेब भर सकें, अपना पेट भर सकें? क्या उनके दिलों में कौम का दर्द नहीं है? आप चले जाइए कोर्ट के अंदर, हालात देखिए। बहुत से ऐसे हमारे मुसलमान भाई जो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, वो कोर्ट में केस में पैसा क्या खर्च करेंगे? लेकिन जो हमारे वकील हजरात हैं, मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, मैं अपने मुसलमान भाइयों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने वकालत पढ़ी है, क्या उनके दिलों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है मुसलमानों के लिए या अपनी कौम के लिए? अच्छा, आप देखिए मुफ्ती सलमान अजीज साहब का जो केस है, उस केस में आखिर हुआ क्या है? मैं आपको एक बताता हूँ केस। मैंने मेरी एक एडवोकेट साहब से बात हुई, उन साहब ने मुझे ये बताया, इसी तरह के सेम केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं बीजेपी के लीडर हैं बहुत बड़े, उन्होंने एक बयान दिया सोनिया गांधी के खिलाफ। उस बयान की वजह से उन पर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मुकदमे किए गए, लेकिन वो इंसान पढ़ा लिखा था। उनकी जो लीगल टीम थी वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने सिर्फ एक बात कही, ये जो मेरे खिलाफ मुकदमे किए गए हैं क्या अब मैं जगह 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 जाकर चक्कर लगाऊंगा? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जहां पर आपके खिलाफ सबसे पहली कंप्लेंट की गई है, ये सारे मुकदमे वहीं पहुंचाए जाएं और वहां की अदालत में ये आपका जो केस है वो वहां सुना जाएगा। क्या हमारे पास वकील नहीं है? हमारे पास वकील नहीं है? अगर हमारे वकील हजरत चाहते तो क्या मुफ्ती सलमान साहब के साथ ये नौबत आ सकती थी क्या? कहां गए आप लोग यार, कहां हो? अगर ये मेरी वीडियो कोई वकील हजरत सुन रहा हो और मुसलमान हो तो मेरे भाई आप याद रखना कि अल्लाह को मुंह दिखाना है। मेरी बात आपको बुरी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल आपके लिए नहीं है, ये मेरे कौम का दर्द है। आप मेरी बात समझिए, आखिर हो क्या रहा है? आप लोगों की पढ़ाई किस दिन काम में आएगी? ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में कोई वकील नहीं है मुस्लिम, कोई जज नहीं है मुस्लिम, या कोई अच्छा पढ़ा लिखा प्रोफेसर कोई मुस्लिम है ही नहीं, सब खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, अगर ये हमारे वकील चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता? आपके सामने मैंने एक सुब्रमण्यम स्वामी वाली जो रिपोर्ट थी वो पेश की है आपके सामने, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा उसका। और दोस्तों, हो क्या रहा है, हमारे जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं काम करने वाले, 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, और वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा शुरू में जब मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया था, लोग सड़कों पर निकले, लोग बाहर आए कि हमारे उलमाए दीन को जो है परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ गलत मुकदमे करके उनको बंद किया जा रहा है। लोगों ने एहतजाज किए और लगातार एहतजाज पे एहतजाज होता रहा, लेकिन जिस वक्त आप जैसे
मैं क्या अल्फाज कहूँ, मेरे को जो है ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है इस वक्त आपके ऊपर। आप जैसे लोगों ने कुछ व्यूज के लिए हर दो मिनट, हर आधे घंटे, हर एक घंटे में अपडेट दे देकर हमारे मुसलमान भाइयों को बसन कर दिया। कैसे मुसलमान सड़कों पर आए, कैसे अपने हक की बात कहे, जब उसको यही पता है कि हमारा भाई एक बैठा हुआ है और वो बैठकर हमें हर मिनट की अपडेट दे रहा है कि सलमान साहब के साथ ये हो रहा है। अरे भाई, आप जो है ना थोड़ा सा अपने गरिबान में झांकिए कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको ज़रा सी शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? बिल्कुल ऑनलाइन झूठ बोल रहे हो आप। भाई, आपसे अच्छा काम मैं कर सकता हूँ, मैं एज ए एडिटर बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, बहुत पैसा कमा सकता हूँ, ये इस बात को पर्सनल मत लीजिएगा। आप जैसे पता नहीं कितने ही होंगे, मेरे जैसे बताइए कितने ही होंगे जो पैसा कमा सकते हैं झूठ बोलकर। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान के दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि हमें हश्र के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है। आगे से ऐसी हरकतें करना बंद करें। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को समझें कि ये जो लगातार अपने चैनल पर बैठकर झूठ फैला रहे हैं, लोगों तक गलत बातें पहुंचा रहे हैं, कि आपके अंदर बिल्कुल अकल नाम की चीज़ है या नहीं? क्या भैंसा खा खा कर आपकी अकल भी भैंसे जैसी हो गई है कि गलत और सही में फ़र्क नहीं समझ पा रहे आप? मैंने उस वीडियो में कमेंट देखे जाकर, लोग दुआएं कर रहे हैं। भाई, अच्छी बात है, दुआ कीजिए, दुआ करने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक बार समझिए तो सही कि वो बंदा जो आपके सामने चीज़ें पेश कर रहा है, वो आखिर उसमें सच्चाई कितनी है? यही वजह है, ये लाइल्मी है, या मैं ये कहूँगा ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो अरेस्ट हुआ है, उनका ये ऐसे लोग कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं? अगर यही हालात रहे इस कौम के, तो एक दिन वो आएगा कि आपको जो है ना आपके घरों में घुस के मारा जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरी ये वीडियो आपको बुरी लगी हो तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरे दिल का दर्द है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम कौम के लिए। मैंने जो आपको वीडियो दिखाई थी ना सरदार जी की, वो सरदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इस कौम का कुछ नहीं होने वाला। क्या हमारे असलाफ ने हमें यही सिखाया था? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने इसीलिए शहादत दी थी अपनी कि हमारी ये कौम जो है ना आज ऐसी हो जाए, बजन हो जाए, कोई भी गाय का गोबर खाने वाला हमारे ऊपर लात चला के चला जाए, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई यूनिवर्सिटी, कहाँ ये सब कहाँ मर गए सारे के सारे? मुझे पता है, मैं आज बोल रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह जाने कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आपको भी जबान खोलनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं कर सकते, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो हमारे मुसलमानों के दिल मुर्दार हो चुके हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कम से कम अपने हक की बात कहिए, इस सरदार जी की बात पे गौर कीजिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, खुदा हाफिज़। इतने अच्छे तरीके से समझाए कि आजकल जो मुस्लिम है उनके दिल मुर्दा हो चुके, अब मतलब किसी बात पे अब कुछ भी नहीं बोलते, उनके साथ कुछ भी गलत होता आवाज नहीं उठाता, उस चीज को सहते हैं कि हमारे नबियों ने ऐसे ही मतलब अपने जाने गवाई थी, मतलब हमारे नबी जो हुए थे, शहीद हुए थे, उन्होंने हमारी कौम को यही सिखाया था कि हम बुरी चीज के खिलाफ कुछ बोले ना, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे, उस अत्याचार को सहते रहे, हमारी कौम ऐसे मर चुकी है। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया, तो आप लोगों को देख के जागने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि हमारे साथ जो भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठाए, ना कि चुप होके बैठ जाए, क्योंकि हम जितना अत्याचार सहते हैं सामने वाला उतना ही अत्याचार हम पे करता है, इसलिए उसके खिलाफ आवाज उठानी जरूर पड़ती है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगे, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।